आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चौराफली की चटनी की रेसिपी। ये चटनी ना थोड़ी सी स्पाइसी होती है और चौराफली के साथ तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए जल्दी से ये मजेदार चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू रिंकल्स किचन। सबसे पहले तो चटनी बनाने के लिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे। इसके अंदर हम 5 से 6 तीखी वाली हरी मिर्च आती है वो डालेंगे। चटनी हमें स्पाइसी बनानी है तो हरी मिर्च ज्यादा डालनी पड़ेगी। अब हम इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप हरा धनिया लिया है वो इसमें डालेंगे और 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 3/4 कप जितना हम पुदीना डालेंगे। 1/4 टीस्पून जितना इसमें नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/2 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और चटनी को हमें अच्छे से पीस लेना है। देखिए चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल ऐसे ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। पानी अगर आप ज्यादा ऐड करोगे ना तो चटनी पतली हो जाएगी। अब देखिए ग्रीन चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब चौराफली की चटनी बनाने के लिए ना सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ और इसके अंदर हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके सबसे पहले इस मिक्सर को ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को ऑफ रख के ही सबसे पहले इस मिक्सर को हमें मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छे से ये मिक्स हो गया है, इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और बेसन को ना हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। अभी मैं इसमें 1/4 कप जितना पानी और ऐड कर रही हूँ, तो टोटल मैंने 3 टेबलस्पून बेसन में 3/4 कप जितना पानी ऐड किया है और हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि बेसन ना नीचे चिपक ना जाए। हमें ना इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे स्टर करना है। 5 मिनट के बाद ही एकदम ठीक हो जाएगा। ये देखिए बेसन थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो अब ना हमें इस गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और हमने जो ग्रीन चटनी बना के रखी थी ना वो इसमें ऐड करेंगे और चटनी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। चटनी डालने के बाद हमें इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। देखिए चटनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये चटनी गर्म है तो हमें ना इसे ठंडा करके ही सर्व करना है। सबसे पहले तो हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हमें इसे फ्रीज में रख देना है। मैंने चटनी को 1/2 घंटे के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब ना इसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे, इससे चटनी थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी और एकदम ठंडी भी हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी एकदम स्पाइसी और एकदम मजेदार चौराफली की चटनी बनके तैयार है। ये ना ठंडी ठंडी चौराफली के साथ सर्व की जाती है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार ये चौराफली की चटनी बना के जरूर ट्राई करना और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको एकदम मार्केट जैसी चौराफली की रेसिपी चाहिए तो मैंने इससे पहले ही चौराफली का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो मेरे चैनल पर जाके एक बार जरूर इसे चेक करना। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।